चरण करा व्याप्य लोकान भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान पुनरपीशन उद्भासितान कामजन्यान पित्वा सर्वान विशेषान स्वीति मधुरभुं माया भोजयन्नो माया सांख्या तुरीयं परममृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदी मांडूक उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग आगम प्रकरण के छठा मंत्र है। क्या हुआ? छठा मंत्र में ईश सर्वेश अंतर्यामी ईश योनि सर्वस्व प्रभव विभूताना। वो जो पहले द्वितीय मंत्र में बोल कर क्या है, सर्व सर्वभूमि इदं ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्। ये जो बोल करके आया था कि सारा संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब केवल नाम मात्र है, अभिधान प्राधान्य देकर के पहले अभिदेव प्राधान्य को देकर के दिखाया, अभिधान में प्राधान्यता देकर के ब्रह्म नाम से कहा। और ये जो ब्रह्म क्या वस्तु है, तब आपने आप श्रुति बोलती है कि आत्मा ही ब्रह्म है, मतलब आत्मा ही व्यापक है पूर्ण है, मतलब तो समझ में तो नहीं आता। यदि मतलब उत्तम अधिकारी है तो उनको तो अयम आत्मा ब्रह्म इसको विचार करने से समझ में आ जाता है, सामान्य व्यक्ति को नहीं आएगा। तो श्रुति ने इसने क्या किया, चार पाद की आरोप, उसमें तीन पाद के माध्यम से चल करके चौथा पाद तक पहुंचा जाता है। तीन पाद क्या हो गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जागृत काल में बैठ करके विचार करते हुए यदि हम देखें, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के विषय वस्तु का विचार करता है, परंतु जागृत स्वप्न सुषुप्ति के दृष्टा में कोई व्यभिचरित नहीं है, तो वो मेरा परमार्थिक स्वरूप है। इसी यहाँ पे इसके पहले जात सुषुप्त न कंचनम कामम काम वेदन कंचनम स्वप्न प्रसिद्ध सुषुप्तम ये बोलने के बाद सुषुप्त स्थान एक ही भूत प्रज्ञान खान एवं आनंदमय आनंद भोग, ठीक है ना, प्राज्ञ तृतीय पाद। इस प्रकार से यहाँ पे सुषुप्त अवस्था के वर्णन कर आने के बाद यहाँ पे व्यष्टि को दिखाया, व्यष्टि अज्ञान अभिमानी चेतन को दिखाया, उसको प्राज्ञ नाम से कहा जाता है। व्यष्टि और समष्टि में कोई भिन्नता नहीं है, श्रुति अपने आप ही यहाँ पे दिखा चाहते हैं कि ये आध्यात्मिक जो आधिभौतिक कष्ट करके रहता है उसके अंदर रहने वाला जो आधिदैविक है इन तीनों में कोई भिन्नता नहीं है। इसको समझाने के लिए तो ये कहा था कि ये सब सर्वेश्वर ईश्वर सर्वज्ञ, ठीक है ना, ईश्वर योनि अंतर्यामी ईश्वर योनि सर्वस्व। यहाँ पे ये जो है इसमें परिच्छिन्न व्यक्ति व्यापक कैसे हो सकता है, तो आप जो है हमारे यहाँ के वेदांत के सिद्धांत के अनुसार व्यापकता परमार्थ है, व्यापकता यथार्थ है और परिच्छिन्नता औपाधिक है। तो जिस परिच्छिन्नता के उपाधि के साथ तादात्म्य करके आप अपने को परिच्छिन्न की मान्यता देकर जो व्यवहार करते हैं, तो बस इस परिच्छिन्नता को छोड़ दीजिए। एक ज्ञात परमात्मा ही, ज्ञात परमात्मा ही हमारा मुक्ति के कारण है और अज्ञात परमात्मा बंधन के कारण है। ये बंधन और मुक्ति दोनों का हेतु परमात्मा ही है, ठीक है ना। हम जो है अब मन के साथ तादात्म्य करके अपने को परिच्छिन्न मान करके फिर हम सुखी दुखी होते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में क्या होता है, मन के साथ तक शरीर भी जाता है, इंद्रिय भी जाता है, मन के साथ तादात्म्य छूट जाते हैं, चित्त जो काम करते वहाँ भी कोई तादात्म्यता नहीं होती। बोला तो क्या होता है, अब अपने सर्वेश्वर में बैठे है ना, ये जो है यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है, ये अंतर्यामी अंदर बैठ करके सबको नियमन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस पंक्ति को भगवान भाष्यकर देखिए पेज 28 भाष्य में, एषो अंतर्यामी अंतर अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंता अपि एष एव, मिला पेज 28 में भाष्य की सेकंड लाइन, ठीक है ना। एषो अंतर्यामी एश अंतर्यामी अंतर अनुप्रविश्य, मैं यहाँ का अनुप्रविश्य क्या बात है, कैसे बताया गया था अनुप्रविश्य, पारमार्थिक प्रवेश होना संभव नहीं है। घर में जल की प्रवेश होता है परंतु उस जल में सूर्य के प्रतिबिंब का अनुप्रवेश होता है, प्रतीति मात्र होती है वहाँ पे, परंतु वास्तविक कोई प्रवेश नहीं है, कोई निर्गमन भी नहीं है, तो पूर्ण सर्वदा विद्यमान है,
ठीक है ना। और इस प्रकार से ये तत्सृष्ट का देव अनुप्रवेश में भी यही अभिप्राय है, किंतु कहा किंगा है, क्योंकि उस तत्व को अनुभव करने के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुख हुए बिना उसको उपलब्धि नहीं होता, इसी के नाम पर सारे प्रवेश श्रुति का इसी में तात्पर्य है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टीका में इसमें अंतर्यामित विशेषण अंतरम विषदयति अन्नस्य कस्यचित् अंतर अनुप्रवेशे नियमेन च सामर्थ्य अभावात् अवधारणम् एष एव करके बोल रहे हैं। बनाया किसी ने प्रवेश किया, दूसरा ऐसा मान लिया जाए, बनाया पंच महाभूत से प्रवेश किया, ईश्वरों से भिन्न हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं अन्नस्य कस्यचित् अंतर अनुप्रवेशे। और दूसरा कोई व्यक्ति अंतर में प्रवेश किया, अथवा जीवात्मा, जीव अलग है ईश्वर अलग है ऐसा करके मानते हैं, तो जीवात्मा आपका शरीर में प्रवेश करते हैं, आप प्रवेश करके जीवात्मा नियमन करते हैं। इस प्रकार नियम में जब सामर्थ्य अभाव जीव में जो है ये सामर्थ्य नहीं है, जीव यदि अपने आप अपने को संभाल सकता तो अपने लिए अनर्थ क्यों बुला लाता। कोई भी व्यक्ति अपने लिए अनर्थ तो नहीं चाहता है तो आता क्यों है, यानी कि उसका अपना सामर्थ्य नहीं है, हर चीज़ अपनी मनमर्जी हम करिए। जो ईश्वर ने हमारे पूर्ववर्ती कर्म के अनुसार विधान कर रखा ऐसा ही होना है। दो क्रिया यदि क्रम से किया जाता है तो पहले क्रिया के साथ त्वा प्रत्यय होता है, तो सृष्टा पहले बनाया फिर प्रवेश किया, वहां पे त्वा प्रत्यय स्वयं स्थिति बोलते हैं कि जिसने बनाया उसी ने प्रवेश किया, एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रिया, अलग अलग करते नहीं होता, इसलिए दूसरे का प्रवेश नहीं है। उसी परमात्मा की जो परिच्छेद रूप में दिख रहा है वही जिसने सृष्टि को बनाया वही प्रवेश, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें लगता ही नहीं है कि मैं सृष्टिकर्ता हो सकता हूँ, परंतु वास्तव क्या है, इतना सृष्टि को कोई पारमार्थिक नहीं है, तुम जैसे सृष्टिकर्ता कल्पना ये भी काल्पनिक है। जिसने बनाया उसने प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद उसकी व्यापकता को तो नहीं खोया, ज्ञान में परिच्छिन्नता दिखती है घट पर उपाधि के कारण, ज्ञान में चेतनता में कोई परिच्छिन्नता नहीं है, जैसे आकाश में परिच्छिन्नता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं अन्य कश्चित अंतर अनुप्रवेश है। दूसरा कोई व्यक्ति यदि अंदर में अनुप्रवेश करता और फिर नियम ही न था सामर्थ्य और नियमन करता, नियमन है कि दूसरा कुछ अगर नियमन होता सामर्थ्य अभाव उसके बाद किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, मतलब ईश्वर को जोड़ करके सिर्फ अवधारण, कौन सा अवधारण लेंगे आप यहाँ पे, अवधारण के लिए कौन सा शब्द आता है, निश्चय कराने के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं संस्कृत में, यहाँ पे देखिए अंतर्यामी अंतर प्रविश्य एष अंतर, मैं बोला था वहां पे कॉमा कर देना, अयम एव ही सर्वस्य सर्व भेद अवस्थ ज्ञाता ज्ञाता इति एष सर्वज्ञ, कॉमा कर दिया था वहां पे, सर्वेश सर्वज्ञ अर्थ उसके बाद क्या था अंतर्यामी, एष अंतर्यामी अंतर्यामी अर्थ क्या कर दिया, अंतर अनुप्रविश सर्वेषां भूतानां नियंत्रा अपि एष एव, ये अवधारणार्थ शब्द है। कुछ टेक्निकल टर्म को बिल्कुल उसके एप्लीकेशन का आपको समझ के रखना पड़ेगा। अवधारण शब्द मतलब कहीं पे आपका ही अथवा एव शब्द प्रयोग किया, ही अथवा एव शब्द प्रयोग किया। अच्छा उदाहरण, उक्तं विशेषणत्रयं हेतुं कृत्वा प्रकृतस्य प्राज्ञस्य सर्वजगत्कारणत्वं विशेषणान्तरं विशेषणान्तरं आह। उक्तं विशेषणत्रयं, क्या तीन विशेषण है जिस तीन विशेषण के आगे कथन किया गया, सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी, ये तीन विशेषण है। सर्वेश्वर मतलब सबको चलाने वाला, और फिर सर्वज्ञ वो सबको सबको क्या था और सबको नियमन करने वाला, ये तीन विशेषण तो अपने में दिखता ही नहीं है कभी, हम ना सर्वज्ञ है ना सर्वशक्तिमान है ऐसा लगता है हम, परंतु इसी को आश्रय करके तीन विशेषण को आश्रय करके केवल इतना ही बोला, देखो तुम अपना उपाधि के प्रसाद तादात्म्य छोड़ो तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला ये तीन विशेषण को सहारा लेकर के उक्तम विशेषण त्रयम हेतु कृत्व, इन तीन विशेषण को कारण बना करके प्रकृत से प्राज्ञ, कौन बनाया कारण इसको, कृत्व का कर्ता कौन है, श्रुति, श्रुति ये मंत्र कहाँ पे आया, श्रुति में, श्रुति में, तो ये तीनों को जो बनाया ना यहाँ पे कौन किया, उक्तम विशेषणं त्रयम हेतु कृत्ता
एक और किया ये काम, सुधीर देखिए ना हमारे यहाँ पे हर चीज में लेखक में भी देखिए कि एक चेतनता की दृष्टि उन्होंने है हमेशा, इसीलिए यहाँ पे इन तीनों को हेतु कौन बनाया, श्रुति ने तो क्या मूल मूल मंत्र को बोलना है ना, सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर यहाँ, ये श्रुति वाक्य है और इसी को आधार करके श्रुति दिखाते हैं ये योनि प्रभाव आपका ये भी भूताना, ये जगत की कारण है ना, और कारण में ये निमित्त कारण नहीं है, क्योंकि निमित्त कारण होता तो उसका अपय बोल है, लय काल में कोई भी वस्तु लय प्राप्त करते तो अपने उपादान कारण में लय प्राप्त करते हैं, नहीं तो कुम्हार को कभी दोबारा माटी लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, ना सुवर्ण का कोई अभी करोड़पति बन गया होता, परंतु ऐसा नहीं होती, उपादान कारण में लय प्राप्त करते, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं उक्तम विशेषण त्रयम हेतु कृता प्रकृतस्य प्राज्ञस्य, ये प्रजिस को लेकर के विचार चल रहा है, जो प्राज्ञ मतलब अज्ञान वही तो परिच्छिन्न चेतन रूप में दिखाई जिसको दिखाई पड़ता है, सर्व जगत कारणत्म वो समस्त जगत का कारण भी उसी में बैठा हुआ है, प्राज्ञस्य सर्व जगत कारणत्म, एक विशेषण अंतर एक नया विशेषण और देना है श्रुति है ना, एष योनि ठीक है ना, अंतर जाने के बाद क्या है मूल मंत्र में एष योनि ही ठीक है ना, सर्वस्व ये सब का कारण है, योनि मतलब यहाँ पे कारण लेंगे और फिर बाद में तब बोलेंगे कारण को निमित्त कारण की उपादान कारण की दोनों कारण, सभी बातें खुश हो गया कारण बोला तो हम तो निमित्त कारण को सभी बातें मानते हैं, शुद्ध तुरंत बोलती है प्रभाव अप्यय लय प्राप्त करते हैं किसमें, वो जो जिसमें लय प्राप्त करते हैं वो निमित्त कारण नहीं हो सकते, उपादान कारण भी है, उपादान कारण भी है निमित्त कारण उपादान कारण, इसलिए यहाँ पे बोले तीनों को विशेषण बनाकर जिसके लिए तीन विशेषण दिया गया था उसके अंदर एक विशेषण और दे रहे हैं, अपना पड़ेंगे भाष्य में अतएव यथत्वम सभेदम जगत प्रसूयते इति एष योनि सर्वस्य, ठीक है ना, एष योनि सर्वस्य का जो अर्थ क्या करते हैं अतएव इस कारण से, किस कारण से, क्योंकि यही जो है दृष्टि में क्या दिखाई पड़ता है जागृत स्वप्न के लिए यही हेतु है, अब क्या वहां बैठा होगा, इसीलिए इसी कारण से और आध्यात्मिक अधिभूति का अधिदेविक जगत समष्टि में जब देखेंगे इसी प्रकार के सभी जगत का बनाने वाला यही है, अतएव इस कारण से, किस कारण से, क्योंकि हमें अनुभव में आता है हमारे जागृत और स्वप्न वाले व्यवहार का बीज हमारा युक्ति में रहता है, इस कारण से अतएव यथोत्तम ये जिस इसको लेकर के प्रार्थना को लेकर के विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर के विचार किया जा रहा है, सभेदम व्यवहारिक जगत में क्या भेद दिखाई पड़ता है आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक जो तीन भेद दिखाई पड़ता है, ये समस्त जगत प्रसूयते अस्मा, इसी से समस्त जगत की उत्पत्ति होते हैं, प्रकृष्ट रूपेण सूयते प्रसूयते टू कम इन टू द एग्जिस्टेंस सुधर है ना, प्रसूयत प्रसव भी बोलते हैं, देखो हिंदी हिंदी में संस्कृत में प्रसव शब्द बोलते हैं, इसी से ये बाहर आकर पड़ते हैं, इति इस कारण से एष योनि सर्वस्य, यही जो है समस्त सृष्टि की मूल कारण है, मूल कारण है, वहां पे देखिए टीकाकार क्या बोल रहे हैं, ऊपर भाष्य कर रहा है ना यथोक्तम अतएव यथोक्तम, ठीक है ना, तो यथोक्तम पर भाष्य की है यथोक्तम उसका अर्थ करते हैं स्वप्न जागृत स्थान द्वय प्रविभक्तम इति अर्थ, समझ में आया टीका में जो यथोक्तम पद है भाष्यकार के यथोक्तम पद का टीकाकार अर्थ कर रहे हैं, यथोक्तम मतलब स्वप्न जागृत स्थान त्रय प्रविभक्तम, ठीक है, स्वप्न और जागृत दोनों स्थान में विभाजन करके जिसको दिखाई पड़ती है इति अर्थ, और फिर आया है सभेदम, ठीक है ना, सभेद उसको अर्थ करते हैं सभेदम, सभेद भेद मतलब भेदेन सह सभेदम, भेद के साथ ही जो दिखाई पड़ता है वो पूर्ण होते हुए भी भेद रहित होते हुए भी माया की महिमा से भेद के साथ ही दिखाई पड़ते हैं, तो कितने प्रकार के भेद है अध्यात्म अधिभूत अधिदेव, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सभेदम अध्यात्म अधिदेव अधिभूत भेद सहितम इति यावत्, ये भेद के साथ ही वो चेतन दिखाई पड़ते हैं, ये भेद के साथ वो समष्टि चेतन दिखाई पड़ते हैं, वैष्टिक मत इसमें दिखाया जागृत स्वप्न के लिए हेतु यही है यथोक्तम जिसको लेकर के विचार किया जा रहा है, समष्टि को अभिन्न समझाने के लिए सभेदम जिसमें ये अध्यात्म अधिभूत अधिदैविक जगत के भेद दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, चैतन्य की जावत। अच्छा अब प्रश्न हुआ जब आपने यहाँ पे बोला कि ये योनि मतलब कारण, तो सभी बागी ने हड़ताली बजा दिया, बोले ठीक बोला बिल्कुल, ये जो है जगत का निमित्त कारण है, मतलब तटस्थ कारण है, निमित्त कारण है, मतलब अपने से भिन्न करके जैसे कुम्हार घड़ा को बनाता है, सुवर्णकार अलंकार को बनाता है, ऐसा ही परमात्मा ने सृष्टि को बनाया,
ये मानने वाले वादी की संख्या अधिक है, ये मानने वाले वादी की संख्या अधिक है। उन्हें तो वो क्या सोचेगा, तुम जगत को परमात्मा भिखारी हो जाएगा, परंतु हम तो विवर्तवाद है, हम परिणामवादी नहीं है। यदि परिणामवादी होते तो उपादान कारण विकार होता, परंतु हम विवर्तवादी है, अपने उपादान में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हुए अपने को अन्य रूप में दिखाया, अत्यधिक अन्नता भाव उसको अभिवर्त बोलते हैं। तो अपने में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, रज्जु अपने में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हुए सर्प रूप में प्रतीति होता है, सुक्ति का रजत रूप में प्रतीति होते हैं, मरुभूमि में बालू जल रूप में प्रतीति होती है, स्थानों में पुरुष की प्रतीति होती है, कटा हुआ पेड़ को चार चोर जैसे भ्रांति करते हैं। तो यहाँ पे उसमें अधिष्ठान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होते, फिर भी वो इस रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे वेदांतिक सिद्धांत यही है। तो पहले जैसे श्रुति कहते हैं ऐसे योनि मतलब कारण, सभी बातें ने सोचा कि निमित्त कारण श्रुति कहना चाहती है, तो उसको देखे टीकाकार देखिए बोलते निमित्त कारणत्व नियमे अपि प्राचीनानि विशेषणानि निर्वहन्ति इति आशंक्य प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादिष्टन्त अनुपरोधात् इति न्यायात् निमित्त उपादानयोः जगति न भिन्नतम इति एवं नियमत सिद्धम अत विशेषणान्तरम इति आह। इसके बाद अंतिम में एक विशेषण और दिया ना, प्रभवप्ययो हि भूतानां, ठीक है ना, इस मंत्र में अंतिम में क्या लिखा, प्रभवप्ययो हि भूतानां, ठीक है ना, प्रभवप्यय मतलब प्रभवति अस्माद् इति प्रभव मतलब उत्पत्ति स्थान, और अप्येति अस्मिन् इति अप्यय मतलब लय स्थान, प्रभव अप्य प्रभवश्च लयस् अप्ययश्च प्रभवप्ययौ दन्द इतरित दन्द समासः, प्रभवश्च अप्ययश्च प्रभवप्ययौ इतरित दन्द समासः, नामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ, प्रभव मतलब प्रभवति अस्माद् इति प्रभव, जिससे जगत उत्पत्ति होते हैं, और अपीयते अस्मिन् इति अथवा प्रलीयते अस्मिन् इति अप्ययः, प्रलीय मतलब यो अप्यय प्रभव अप्यय करके उसको दन्द समासः करके केवल समस्त भूतों का यही जो है उपादान लय का स्थान भी है। जब लय का स्थान बोल दिया तब अन्नवादियों का मुंह बंद हो जाता है। श्रुति जब इसी को अभिन्न निमित्त उपादान कारण दिखाया तब जिन वादियों ने केवल निमित्त कारण माना उनका मुंह बंद हो जाता है। अब इस विषय में हमारे ब्रह्मसूत्रकार जो प्रथम व्यासदेव जी ने पहला अध्याय की चतुर्थ पाद में प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात्, प्रकृति ये जगत का उपादान कारण, चकार मतलब निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है, प्रकृतिश्च प्रकृतिश्च मतलब ये उपादान कारण है, चकार से निमित्त कारण, प्रकृतिश्च निमित्त कारण भी है, क्यों, प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात्, इस एक वक्त मतलब एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा, एक 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 विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा, एक वेदांत की एक मर्यादा है। वहां पे क्या बताया, उत्तम आदेश क्षेत्र के तुम उनके पिता ने पूछा कि उत्तम आदेश हम अध्यक्ष जेन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम अभिज्ञान अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम, क्या तुमने अपने गुरु जी को उस आदिश्यते अनया इति आदेश जिसके द्वारा परम तत्व को समझाया जाता है उसको आदेश बोला, क्या तुमने अपने गुरु जी को उस आदेश के बारे में उस विषय के बारे में पूछा था, क्या विषय है गुरु पिताजी, ये न अश्रुतम श्रुतम अश्रुतम जिसको जान लेने पर नहीं सुना हुआ वस्तु भी सुना हुआ हो जाता है, नहीं मनन किया हुआ वस्तु भी मनन किया हुआ हो जाता है, अभिज्ञातम विज्ञान सब नहीं जाना हुआ वस्तु भी सब ज्ञात हो जाता है। तब वो तो हमारे गुरु जी शायद नहीं जानते थे इसीलिए मेरे को नहीं बताया, क्योंकि नहीं तो मेरा जैसा योग्य शिष्य को क्यों नहीं बताएंगे, यद्यपि गुरु के जैसे नहीं कहना चाहिए था, तो आप ही कृपया है मेरे को बताइए। तब पिताजी वहाँ पे बोलने लगे कि समझाने के लिए बोलते जाता सौम्य एक अमृत पिंडे न सर्व ब्रह्म विज्ञातम भवती वाचारम्भनम विकारो नाम ध्येय मृत्ति का इत्येव सत्यम। इसी प्रकार लोह निकृंते न लोहमणि नख निकृंत, तीन दृष्टान्त दिया वहाँ पे, तीन दृष्टांत देखा के समझाते हैं मुख्य रूप से वहाँ पे क्या है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञान करके ये तभी होना संभव है कि समस्त जगत की उपादान कारण एक है, क्योंकि मृत्यु का इत्येव सत्यम मतलब मृत्यु का कि समस्त विकार को आप तभी जान सकते हैं क्योंकि यदि आप मृत्यु का रूप उपादान कारण को जानते हो, और उस उपादान कारण देखिए व्यवहारिक दृष्टि से बोला जाए उपादान कारण ही अभिप्राय है, मूल उपादान कारण ही एकमात्र सत्य है, बाकी उसके ऊपर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वाणी के द्वारा आरंभ होने वाला विकार मात्र है, वो भी पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, ऐसा श्रुति चांदो को श्रुति ऐसा कहती है।
और इसी के आधार पर वैद्य बिन सूत्र विरचा प्रतिज्ञा प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधा उपादान कारण भी है, क्योंकि वहां पे क्या बोला, प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा किया, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की। कस्मिन् भगव विज्ञान सर्विदं विज्ञानं भवति, आत्मा आत्मनि आर्य विज्ञान सर्विदं विज्ञानं भवति आत्मा वरदस प्रभु। इन उपनिषद में अलग अलग कार्य यहाँ सृष्टि के प्रकरण आया उसके पहले ही दिखाते हैं, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रकृति। आप मान लीजिए मतलब सुवर्ण भी, तो सुवर्ण को जानते हैं, सुवर्ण के हर विकार को उसका ज्ञान है, जो सुवर्ण भी होता है वो क्या होता है, सुवर्ण का यथार्थ ज्ञान होने के कारण वो क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई सोने का द्रव्य लाया, इसके विनिमय में मुझे कुछ पैसा चाहिए, वो व्यक्ति वो द्रव्य में अहंकार में क्या उनके मतलब मन जुड़ा हुआ है कि उसको मूल्यांकन नहीं करते, इसके मूल्यांकन करते हैं उसमें सुवर्ण कितना है तदनुकूल पैसा देते हैं, नहीं नहीं आपका तो खोटा है इतना प्रशंसा बोलेगा तो उस हिसाब से पैसा भी कम मिलता है। इसी प्रकार जो आत्मवेत्ता पुरुष है वो क्या होता है, आत्मदृष्टि से सारा संसार को विचार करते हैं, आत्मदृष्टि दृष्टि आत्मा ही है, वो आत्मदृष्टि सारा संसार को विचार करते हैं और इस आत्मा के ज्ञान से सारा संसार का ज्ञान होना चाहिए। आत्मनि आर्य दृष्टि श्रुते मते विज्ञातिकं सर्वं विदितं भवति, मैत्री को बोलते हैं। इस प्रकार से एक विज्ञान की सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा तभी सही होना संभव है यदि उपादान कारण है तो प्रति फिर दृष्टांत भी देकर के श्रुति अपने आप समझाती है। आपने क्या दृष्टांत दिया, मृत्ति का इत्येव सत्यं वाचारम यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन चर्मं मृण्मयं विज्ञातं स, जैसे हे प्रियदर्शन केवल एक मृत्पिंड को जानने पर मृत्यु का सारा विकार का ज्ञान हो जाता है तुमको, क्योंकि मृत्यु का ही पारमार्थिक सत्य होते हैं, विकारी वस्तु नाशवान होते हैं, मृत्यु का इत्येव सत्यं, ऐसा करते वाचारम ऐसा करते श्रुति कहती है, उसी श्रुति के हमें मन में रख करके यहाँ पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए अभी निमित्त कारणत्व नियम अपि, वो निमित्त कारण है इस प्रकार नियम होने पर कि प्राचीनानि विशेषणानि, प्राचीन विशेषण क्या है, सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी ऐश्वर्य, जितना विशेषण दिया गया विशेषण बहुवचन बोल रहे हैं तो चार विशेषण लेना पड़ेगा, निर्वहंती इति आशंका, उसी में जो है ये कारणत्व आ जाएगा। बोलते हैं यदि आशंका शंका करते हैं निमित्त कारण होने से ही अगला चार विशेषण जो आपने दिया, कौन जो ईश्वर होता है मालिक राजा सबका राजा है, राजा प्रजा से भिन्न होता है, ठीक है ना, इसलिए राजा निमित्त कारण हो सकता है, उपादान कारण राजा नहीं है वहां पे। फिर सर्वज्ञ, मैं दूसरे को जानता हूँ, हमारे सामने जितने दूसरे को मैं जानता हूँ, जिसको जानता हूँ हमसे भिन्न होता है, मैं जानने वाला हूँ, ठीक है, सर्वज्ञ अंतर्जामी जिसको नियमन करते हैं, नियमन करने वाला उससे भिन्न होता है, और परंतु उसके साथ बोला ऐश योनि बनाने वाला है, कारण बोला तो निमित्त कारण है, जैसे कुमार घर आदि को बनाता है निमित्त कारण, यानी कि चारों विशेषण भेद में निमित्त कारण मानने पर भी संभव होना हो सकता है। ये चारों विशेषण कौन सा, सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी योनि, ये चार विशेषण निमित्त कारण में घट जाएगा, परंतु प्रभाव आप निमित्त कारण में नहीं घटेगा, केवल वो नहीं घटेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे बोलते हैं कि निमित्त कारणत्व नियमे अपि प्राचीनानि विशेषण निर्बंधी आशंक, ऐसा शंक उठाते तब उसको उत्तर बोलते हैं नहीं नहीं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधा, ये जो है ना ये आपका सूत्र संख्या दिया 147 प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के 7वां अधिकरण 23वां सूत्र है, प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद 7वां अधिकरण 23वां सूत्र 23rd, इस पुस्तक में नहीं दिया है, ठीक है, प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद 7वां अधिकरण 23वां सूत्र, ठीक है, उसमें क्या है वो सूत्र, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधा, ठीक है ना, परमात्मा उपादान कारण भी है, प्रकृतिश्च मतलब उपादान कारण भी है, क्यों, प्रतिज्ञा दृष्टान्त, जैसा प्रतिज्ञा की एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा, और उसको जिस दृष्टान्त के द्वारा समझाएगा वृत्ति का उपादान कारण पे दिखा रहे हैं, वो कुम्हार वृत्ति वो सत्य ऐसा नहीं कहा, तो वहां पे वृत्ति का को लिया गया है, इसलिए उपादान कारण को कहना चाहते हैं। अनुपरोधा इति न्याय, इस प्रकार न्याय युक्ति से मतलब ब्रह्म सूत्र के बल पे निमित्त उपादानयोर, निमित्त कर्म दोनों का जगति न भिन्नतम, जगत में भिन्न उपादान कारण निमित्त कारण नहीं है, निमित्त उपादान कारण एक ही है, ये आप निश्चित है, इति एवं नियमत सिद्धम, इसलिए नियम से
मतलब जो हमको दिखाई पड़ता है व्यवहारिक नियम से यही सिद्ध होता है कि जो जिसको मतलब उपादान कारण को से ही जगत के एक उपादान कारण के ज्ञान से ही कार्य जगत ज्ञान होता है। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं शुरू में, सदैव सोमेदमाभ्यासी अथवा ब्रह्मवैदमाभ्यासी अथवा आत्मावेदमाभ्यासी, साथ में क्या बोलते हैं एकमेव अद्वितीयम अथवा नान किंचित मिश्रम, इस प्रकार से भिन्न कुछ भी नहीं था। इदम रूप में अभी जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वो इदम रूप में दिखाई देने से पहले सब एकमात्र सतरूप ही था। और कारण जो है कार्य में अनुगत रहता है, चाहे वो सत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप में विवर्तित होकर के फिर इस रूप में दिखाई दे रहा है, सब की अनुवृत्ति सबके अंदर है। और इस आकाश वायु अग्नि जल की सृष्टि ताकि हम अपने जो स्थूल आंख से देखने के सवाल को उसके माध्यम बना करके उस सत तक पहुंच सके, और इस सृष्टि की उपयोगिता उस सत तत्व तक पहुंचने में ही है, वो भी श्रुति अपने आप दिखाती है, छंदों को श्रुति दिखाती है कि अन्न अन्य सौम्य शुंगे न अपमूलम अन्य चे प्रिय दर्शन, अन्य रूपी विकार रूपी पृथ्वी रूपी कार्य को देख करके उसका उपादान जल को ढूंढो डर का विचार में ना हो, फिर आप अभी स्वप्न सुनगे ना तेज मूलमान्य जल भी एक कार्य है तो उस जल का कारण क्या है उसको ढूंढो। इस प्रकार करते करते तुम मूल कारण सत में पहुंच जाओगे, और सत के आगे और कोई कारण ढूंढने का कोशिश ना करो सुखी, क्योंकि सदैव सौम्य ऐसा करके शुरू की। और ये हमेशा ध्यान रखना ये चीज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी विभागला मंत्र जब कभी भी सृष्टि की प्रक्रिया आती है तब हम निर्गुण निराकार निर्विशेष को समझाने के लिए कुछ ही ज्ञान से मुक्त है, परंतु निर्गुण निराकार निर्विशेष के लिए कुछ शब्द प्रयोग नहीं होता। शब्द प्रयोग कहाँ से होता है, माया उपाधि के साथ शब्द प्रयोग होता है। सत शब्द जो प्रयोग किया गया है वो माया उपाधि के साथ ही प्रयोग किया जहाँ पर सृष्टि की सामर्थ्य है, परंतु उसके द्वारा लक्षित कौन हो रहा है, निर्विगुण निराकार निर्विशेष वो लक्षित होता है, वो उसके ज्ञान से उस जीव मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुभिन्न न्याय निमित्त उपादान ही, और जगत ही ना भिन्नतम, जगत में उसका भिन्नता नहीं है जगत की सृष्टि में, इति एवं नियम तो सिद्ध, इसलिए ये नियम से ये सिद्ध होता है व्यवहारिक नियम। अत विशेषण अंतर इसी के एक अलग विशेषण दिया, क्या विशेषण दिया कि यत एवं भाष्य में यत एवं मतलब क्योंकि ये योनी है कारण है, प्रभवश्च अप्ययश्च प्रभवाप्ययो इधर का दंड समझेगा ना, ये प्रभव भी है और लय स्थान भी है, इति ही भूतानाम एष एव यही यहाँ भी अवधान यही जो तत्व सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी योनि यही जो है सबका लय स्थान भी है, लय स्थान भी है प्रभवाप्ययो ही भूतानाम। तो यहाँ पे देखिए टीकाकार लिखते हैं प्रभवति अस्मद इति प्रभवः, प्रभव किसको बोलते हैं प्रभवति का में प्रभवति अस्मद इति प्रभव जिससे सब किसकी उत्पत्ति होती है, और अप्येति अस्मिन् इति अप्येय जिसमें सब कुछ लय प्राप्त करते हैं। अप्येति में कौन सा धातु है, अपिगत जानते हो, अपिगत अपि उपसर्ग प्रबल गम धातु का अर्थ होता है लय प्राप्त करना, यहाँ पे इन गत धातु है एति गति अर्थ धातु ना इन धातु यहाँ पर इस एक धातु का एक इकार पर जो अप्येति है ना अभी था और एति बना ये कौन सी लग गया अप्येति अप्येति अस्मिन् यदि अगाधिगण के धातु है परस्मै पद अगाधिगण के धातु है तो यहाँ का अप्येति अस्मिन् इति अप्येय जिसमें चीज लय प्राप्त करते हैं। अभी पूर्वक गम अर्थ धातु का अर्थ होता है लय, अभी पूर्वक में लगता है गम अर्थ धातु का अर्थ होता है लय गति अर्थ धातु अपय हो गया। तो प्रभव न च एतौ भूतानां एकत्र उपादानात् रीते संभावितौ इति अर्थ न च एतौ, और देखो ये दोनों कौन प्रभव अपय ये दोनों एतौ प्रभव अपयौ भूतानां एकत्र समस्त भूतों का एक ही जगह पे है इसके बिना उपादानात् रीते, यदि उपादान कारण के बिना ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का लय तो अपने उपादान कारण में ही होता है, प्रत्येक वस्तु के लय अपने उपादान कारण में होता है। अब इसलिए ध्यान रखना जिस समय हम कहते हैं स्वप्न काल में समस्त इंद्रियों लय प्राप्त करते हैं, कहाँ लय प्राप्त करते हैं पहले मन में फिर प्राण में, यहाँ पे कौन सा लय होगा समस्त इंद्रियो सुषुप्ति काल में समस्त इंद्रियों जो है लय प्राप्त करते हैं, पहले जाके मन में लय प्राप्त करते हैं फिर बाद में मन प्राण में लय प्राप्त करते हैं, ये कौन सा लय होगा उपादान में नहीं, यहाँ पे मूल नाश नहीं है, यहाँ पे केवल वृत्तियात्मक लय है, वृत्ति का लय होता है, ध्यान रखना यहाँ पे वो वस्तु का नाश नहीं होता, तब फिर दोबारा जगता नहीं है उससे, यहाँ क्योंकि आप वो
क्योंकि इंद्रियों का इंद्रियों जो मन में लय प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को उपादान कारण मन नहीं है, इंद्रियों को उपादान कारण मन नहीं है, इसलिए इंद्रियों में मन में इंद्रिया मन में जा करके संबंध संपूर्ण लय प्राप्त कर जाएगा, वो अपना स्वरूप होना संभव नहीं है। इसी प्रकार मन प्राण में स्वरूप लय प्राप्त करके ये भी नहीं है, क्योंकि मन को उपादान कारण प्राण नहीं है। केवल कितने मात्र होता है, केवल मात्र वृत्ति लय होती है, स्वरूप लय नहीं होते वहाँ पे। ध्यान रखना इस चीज़ को, सुजुक्त में भी यही चीज हो रहा, तभी वहाँ से उठकर संभव है, तभी वहाँ से उठना संभव है। इसलिए बोलते हैं न च एतो भूतानां एकत्र, इन दोनों का समस्त भूत का एकत्र उपादानात् रीते, समस्त भूत का प्रभावाप्य हो, यदि एक ही स्थान प्रभावाप्य के लिए तो उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक स्थान नहीं होता, तो इस प्रकार के वाक्य को प्रयोग करना सुनने के लिए संभव नहीं होता। ये अभिन्न निमित्त उपादान कारण ही हमको विवर्त में मतलब वेदांतिक विवर्त बाद अभिन्न निमित्त उपादान कारण ही मानना पड़ता है। संभव संभावित मतलब कई उपादान कारण के लिए होना संभव नहीं है, इति अर्थ इसका अभिप्रेत होता है। इस प्रकार से छह मंत्र पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तब गौरवादीय कारिकाय कारिकानाम सकृतम अवतारण, ये गौरवादीय कारिका के लिए भगवान भाष्यकर स्वयं इसका अवतरण देते हैं, अथवा श्रुति के साथ आया हुआ अत्र एते श्लोका भवन्ति। आप प्रश्न पूछते हैं कारिका किसको बोलते हैं, भाष्य टीका टिप्पणी वृत्ति वार्ति, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ क्या है, समझ में आया। भाष्य मतलब मूल के अर्थ को जो यहाँ पर स्पष्ट करके समझाए जाते हैं, अपने शब्दों को समझाते हैं उसको तो भाष्य बोलते हैं, फिर भाष्य के बाद उसके ऊपर टीका, भाष्य में आए हुए पद को स्पष्टीकरण करने के लिए टीका, फिर टिप्पणी भी हमको कैलाश में दिखाई पड़ता है, उसी के ऊपर कोई चीज छूट गया अथवा कहीं चीज और एडिशनल कहा जा सकता है उसको टिप्पणी बोलते हैं। वृत्ति मतलब उसी को संक्षेप में कहें, जैसे ब्रह्मसूत्र की वृत्ति आत्मग्रंथ किया संक्षेप में, और वार्ती क्या है उक्त अनुक्त दुरुक्त को यहाँ पे स्पष्ट किया है उसको वार्ती बोलते हैं। कारिका तो अभी तक नहीं सुना, कारिका किसको बोलते हैं। श्रुति अर्थ को अलग अलग विचार नहीं करते हुए उसमें छुपा हुआ जो चीज है उसको अभिव्यक्त करने के लिए विचार उसको बोलते हैं कारिका। श्रुति में अर्थ में छुपा हुआ जो रहस्यमय तत्व ज्ञान है वो स्वतंत्र विचार से जो अर्थ निकालते हैं उसको कारिका बोलते हैं। मांडू को कारिका के विषय में ये सुना जाता है कि कली के शुरू में द्वापर के अंत में कली के शुरू में एक हमारे गौरवाचार्य जी हुए जो बद्रीनाथ में तपस्या करते थे, भगवान नारायण उनको दर्शन दिए और नारायण दर्शन दे करके उनको सृष्टि की यथार्थता को उनको समझाए और बोला कि तुम इसका अभिव्यक्त करो। ये अपने आप ही उनका जो चतुर्थ अनाथ संधि प्रकरण उनका जो मंगलाचरण है उसको देख करके पता लग जाता है। कारिका क्या हो गया, कारिका हो गया किसी मूल ग्रंथ के ऊपर एक स्वतंत्र विचार जो उसके अंदर छुपा हुआ है जो सभी व्यक्ति नहीं समझ पाए और अपने आप ही स्वयं बोल रहे हैं मां गौर पादाचार्य कि ये नारायण की कृपा से हमारे अंदर ये अभिव्यक्त हुई, नारायण कृपा से। इसीलिए ये हमारी वेदांतिक परंपरा नारायण पद ऐसा करते ब्रह्मरोच में मंत्र बोलते हैं और ये नारायण की ये अभिव्यक्त क्या है, ये मतलब हर चीज की छोड़े बिना ये सृष्टि की इस रहस्य को समझ में नहीं आता। अब ये छोड़ने का प्रतीक होता है सन्यास, इसीलिए हर एक सन्यासी को हम नारायण समझ कर प्रणाम करते हैं, नमो नारायण। ये हमारे सांस परंपरा के पीछे छुपा हुआ गहरा रहस्य है, ये नारायण से ये विद्या आया हुआ है, ये नारायण से विद्या अदाक्ष मतवाद विद्या संबंधित शास्त्रीय विद्या नारायण से आया हुआ है। वेदांत के लिए रहस्य मतलब कि जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है, स्वयं नारायण जिसने सृष्टिकर्ता के वजह से माना उसी ने ये समझाया, उनके कृपा के बिना संभव नहीं है। ब्रह्मसूत्र में आया हुआ भगवान नारद जी से भगवान का दर्शन करना चाहते थे तो भगवान ने दर्शन दिया, बता आप नया बोलते हैं ये मेरा मायामय रूप है इसके द्वारा तुम मेरे को नहीं जान सकते हो, पुराण में आया हुआ ये मेरा पारमार्थिक रूप नहीं है, माया ही ये सब माया सृष्ट जन्म पशु शिलारद ये जो मेरा दिखाई पड़ रहा है मेरा माया सृष्ट है इसके तो मेरे को समझ नहीं सकते इसके पीछे में। इसीलिए समझ मानव को कारिका का ही गहराई है कि ना ईश्वर मान नारायण कृपा से ही गौरपादाचार्य के अंदर अभिव्यक्त उन्हीं के निर्देश से इसने गौरपादाचार्य ने इस प्रजा को मतलब संक्षेप में वर्णन करते हैं। इस और इसी को आधार सबसे छोटा उपनिषद के आधार पर व्याख्या करते हैं।
समस्त उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय एक ही है, तो सबसे छोटा उपनिषद के आधार पर उनके अंदर जो रहस्य अभिव्यक्त किया नारायण ने, वो हमारे सामने ला रहे हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि गौरपादीय कारिकाना सकृतम, गौरपादीय कारिकाओं के लिए भगवान भाष्यकार ने अथवा अपने आप ही जो अवतरण दिया, अत्र एते श्लोका भवन्ति, अत्र मतलब इस विषय में है ना, अथवा श्रुति यहाँ पे स्वपद से किसको लेके देखते हैं, आचार्य तो भाष्यकार को लेकर के बोलते हैं, उसी को पढ़ देखिए भाष्यकार लिख रहे हैं, अत्र मतलब एतस्मिन, अत्र मतलब क्या होगा एतस्मिन यथक्ते अर्थे, जिस विषय को छह श्लोक में कथन करके, छह मंत्र में कथन करके आया, इस विषय में एते श्लोका भवन्ति, इन श्लोक मांडव्य कारिका को लिखा गया है, इन श्लोकों का लिखा गया है, ठीक है। तो वहां पे देखिए एक नंबर टिप्पणी क्या है, वहां पे यथक्ते अर्थे मतलब विश्वादि रूप जो विश्व विराट तेजस हिरण्यगर्भ प्राज्ञेश्वर रूप में जो भी कथन उसके पहले हुआ है, इस विषय में मांडव्य कारिका ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, एतस्मिन् अर्थे। अच्छा यहाँ भी ये दो नंबर टिप्पणी कहाँ छूट गया, वो यहाँ पे देखिए प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपर होता, तो उसी पे देखिए दो नंबर टिप्पणी मिला, दो नंबर टिप्पणी वहाँ पे देखिए प्रकृति इति क्या लिखा है, ईश्वर ईश्वर ही कर दीजिए उसको, ईश्वर प्रकृति उपादानम, ठीक है, पीड़ा के क्या लिखा है ईश्वर प्रकृति उपादानम चा निमित्तम अपि, क्या करोगे कैसे करोगे उसका, चात चात देखो चकार अव्यय है, चकार अव्यय उसका पंचमी नहीं होता है, परंतु चाह चकार के कारण ये चा कहाँ से आया, प्रति प्रकृति मूल में देखिए सूत्रकार ने क्या सूत्र रचा, प्रकृति प्रकृति मतलब क्या हो गया उपादान कारण, और च से क्या लिया निमित्त कारण, जैसे बोलते हैं चार मतलब चकार के चाह चाह अव्यय है उसका रूप नहीं चलता, परंतु लिंग में ऐसा प्रयोग कभी कभी होता है, मतलब अर्थ अर्थ रूप में नहीं केवल शब्द को दिखाया, चौ को जब अर्थ रूप में लेंगे तब उसका रूप नहीं चलेगा, परंतु जब कर शब्द को दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, चार चकार से अथवा क्या बोला चेन मतलब चकार के द्वारा, सर खुजलाएंगे आप कुछ देखेंगे चेनो किसका रूप है, चकार के द्वारा अथवा चार अथवा देखो अपीना अपीना ऐसा शब्द आता है, इदमा इदम इदम शब्द का तृतीय एक वचन अनेन होता है, मतलब वहां पे इस अर्थ में इदम शब्द के द्वारा इदमा इदमा अपिना चात चेन इस प्रकार का यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे चात चकार के कारण आगे न था इसीलिए क्या हो गया तकार नकार हो गया, इसलिए चन निमित्तम अपि चकार के कारण चात निमित्तम अपि, अब बात इसको जब तोड़ नहीं पाएंगे तो क्या अर्थ समझेंगे इसमें से, चाहना चाहना माता खुद लगे कुछ देर तक क्या बोलना चाहे, यहाँ पे ईश्वर प्रकृति उपादानम चात निमित्तम अपि, चकार कहाँ पे आया सूत्र में, प्रकृति शब्द से अपने व्यस्त दिन उपादान कारण भी चकार से निमित्त कारण भी, निमित्त कारण सभी वाले मानते हैं इसीलिए हम, ठीक है, निमित्तम अपि एवं अभ्युपगते च सति एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति प्रतिज्ञां 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 मृगादि दृष्टान्तयोः को अनुपरोधो अविरोधस्य एवं, इस प्रकार से अभ्युपगते च सति, इस प्रकार मान लेने पर ही, यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो श्रुति वाक्य को अनर्थ हो जाएगा, विरोध होने लग जाएगा, श्रुति ने क्या किया प्रतिज्ञा के हैं, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है, यदि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है तो उस सभी जगत के उपादान मूल एक कारण ही होगा और उपादान कारण ही होगा, सभी जगत की यदि एक मूल उपादान नहीं होता तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा कभी नहीं कर सकते, इसलिए होता है एवं अभ्युपगते च सति, इस प्रकार मान लेने पर ही एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति, हर एक विज्ञाते सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा, एक को जान लेने पर हर चीज संसार के जाना हुआ हो जाता है भगवान को ज्ञान से, क्यों कैसे बोल रहे हैं प्रतिज्ञा ये हो गया प्रतिज्ञा, और दृष्टान्त क्या है मृगादि दृष्टान्त, प्रतिज्ञा क्या है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा, आपको प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु और दृष्टान्त देना पड़ता है, दृष्टान्त दिया पहले, क्या दृष्टांत दिया मृगादि दृष्टान्त,
अनुपरोध मतलब इन लोग मतलब क्या बोलेंगे अनुपरोध इन लोगों की इन श्रुति वाक्यों की मान्यता देते हुए यही आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि ये उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है ना। तो अब जाकर श्रुति वाक्यों के साथ सिद्धांतों का विरोध नहीं होगा। वेदांतिक सिद्धांतों की भगवान भाष्यकार का बनाया हुआ नहीं है, ये अनादिकाल से चलता है, श्रुति आधारित है। श्रुति वाक्यों को सार को थोड़ा संक्षेप में निकल करके देखा था विरोध हो गया नहीं। निमित्त कारण अवगम है कार्य अवगम, आपने केवल मात्र निमित्त कारण को जाना, इस मकान को किसने बनाया उसको केवल जाना आपने, परंतु उसने मात्र से इस मकान बनाने वाले जो उपादान है उससे और क्या क्या चीज बन सकता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं नहीं निमित्त कारण अवगम है, निमित्त कारण जान कार्य अवगम, आपने निमित्त कारण को जाना परंतु कार्य का बोध नहीं हुआ आपका, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है, किसने बनाया इतना। जब तक उस व्यक्ति आपको ना कहे इसके अंदर ये मटेरियल है, सामान्य खाना बनाने में कहीं खाना स्वादिष्ट बना ठीक है ना, तो पहले हम पूछते हैं कौन बनाया, तब उससे पूछते हैं कैसे बनाया। वहां पे तो निमित्त कारण उपादान कारण अलग अलग है, परंतु उपादान कारण जाने बिना कार्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, उपादान कारण को जाने बिना कार्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, इसलिए उपादान कारण से समस्त ज्ञान हो सकते हैं। बोलते हैं नहीं निमित्त कारण अवगमे कार्य, किंतु किंतु ही तो क्या है कि उपादान अवगम एव, उपादान कारण को जानने पर संपूर्ण कार्य का ज्ञान होता है। उपादान अवगमे एव इति श्रुति अविरोध अर्थमपि, ये हमारी व्यवहारिक, देखिए एक हो गया व्यवहारिक न्याय, व्यवहारिक न्याय से हमने क्या दिखाया आपको कि कार्य को जानने के लिए उसको उपादान कारण को जानना पड़ता है। ये अच्छा स्वाद क्यों हुआ, क्या क्या मटेरियल दिए इसमें, तब क्या होता है कार्य का ज्ञान होता है। मकान इतना अच्छा बना तो कैसे बनाया, इतना बड़ा भूकंप पे हिला क्यों नहीं, क्या मटेरियल डाला इसमें, मटेरियल मतलब कार्य को जानने के लिए उसके अंदर उपादान को जानना पड़ता है ठीक है ना। ये व्यवहारिक नीति न्याय है, व्यवहारिक न्याय ये है, इसलिए इस व्यवहारिक न्याय के आधार पर और श्रुति के साथ विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि श्रुति ने एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की, यानी कि समस्त सृष्टि के पीछे एक ही उपादान कारण, इसलिए हमें बोलते हैं श्रुति श्रुति अविरोध अर्थमपि, श्रुति के साथ विरोध नहीं होता इसलिए भी अपि उपादानत्वम ईश्वरस्य अभ्युपगमनीयमेव, इसलिए ईश्वर में उपादान कारण तभी बैठा हुआ ऐसा भी मान लेना चाहिए ठीक है ना। ईश्वरस्य अभ्युपगमनीय, ईश्वर में मानना पड़ेगा उपादानत्वम, उपादानत्वम ईश्वरस्य अभ्युपगमनीयमेव, ईश्वर में उपादान कारण धर्म ऐसा भी मानना ही चाहिए, नहीं तो श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा, श्रुति समन्वय नहीं कर पाएंगे। दो नंबर टिप्पणी होगी। अब आइए देखिए आगे ठीक है, तो भाष्य देखा था अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे एते श्लोका भवन्ति, ये जो पढ़ करके आया जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अलग अलग अभिमानी चेतन, इसको संक्षेप में उसको नहीं बोलेंगे, उसमें जो चीज नहीं कहा गया है उसको कहेंगे। देखिए मान लो क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखिए आज टीका का लिखते हैं आचार्य ही मांडुको उपनिषदं पठित्वा तत् व्याख्यान श्लोक अवतरणम् अत्र इत्यादिना कृतम् तत् अत्र इति अनुद्भाष्यकार व्याकरति आचार्य ही मांडुक, देखिए आचार्य ही मतलब बहुत बड़ा जन, उनके द्वारा मांडुको उपनिषदं पठित्वा, मांडुको उपनिषद को पठन करके उनको जो है, देखिए भाष्यकार जो बोला अलग है, उसके अंदर छुपा हुआ रहस्य क्या है, क्या छुपा हुआ रहस्य, वो कहना बोला कारिका क्या होता है, जो एक छुपा हुआ रहस्य उसमें वो कारिका व्यक्त करते हैं। इसलिए बोलते हैं आचार्य मांडुक उपनिषद पठित तद व्याख्यान श्लोक अवतरणम, और उस मांडुक को उपनिषद की जो कारिक उसके व्याख्यान की श्लोक जो है जिसमें कारिका को मतलब मांडुक उपनिषद की मंत्रों को व्याख्या किया गया, किसके द्वारा, कारिका के द्वारा, उसके तद व्याख्यान श्लोक अवतरण, श्लोक का अवतरण देखे अत्र, अत्र शब्द प्रयोग किया कहाँ, अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे ठीक है ना, जिस चीज ने श्रुति ने बताया, जिसको मैंने भाष्य लिखा इस विषय में, देखो हमारे गुरु ने परम गुरु ने क्या कह कर आया, क्या कह कर यथोक्ते अर्थे इत्यादि ना अवतरण अत्र इत्यादि ना कृतम, इसके द्वारा तद अत्र इति अनुद्देश प्रकाश से, जो अत्र इति श्लोका भवति मूल में है ठीक है ना, उसी को ऊपर नीचे अत्र पद का अनुवाद किया
जैसा अत्र वही लिखा उसको एतस्मिन् मतलब अर्थ इस विषय में एतस्मिन् जथक्ते अर्थे अत्र एते है ना एतस्मिन् जथक्ते अर्थे इस विषय में जिस पर पहले कथन करके आया तद अत्र इति अनुद्ध भाष्यकार व्याकरति भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं अत्र अत्र मतलब ये छत्र में होता है त्रल प्रत्यय मतलब अत्र मतलब एतस्मिन् जथक्ते अर्थे फिर एते ही एते मतलब ये श्लोक है जो आगे कालिखा आ रहे हैं ठीक है ये हो गया कालिखा के सामान्य अर्थ अब जो केवल श्लोक को पढ़ेंगे हम समझ में थोड़ा सा बहुत अच्छा है ये अत्र गौरपादीय कालिखा इस विषय में गौरपादाचार्य की कालिखा है गौरपादाचार्य सामान्य रूप से उनका समय ऐसे ही माना जाता है कि कली की शुरू में द्रापर की अंत कली के शुरू में कोई आचार्य ऐसा कली के शुरू में ये आचार्य भी क्योंकि हम लोग जो बोलते नारायण पद्म वशिष्ठम शक्ति चतुर्थ पराशर व्यासम शुभम गौरव शुभ जब के समय उससे गौरपादाचार्य में आया हुआ हमको लगता है कि विशाल ज्ञाप है ऐसा बात नहीं है क्योंकि वे लंबा समय तक जीना और जो है क्योंकि सुखदेव को परीक्षित को भागवत कथा समाप्त जहाँ पे तुम्हारा पूरा महाभारत समाप्त हो गया लोग तब उनको सुनाया था उसके बाद ही गौरपाद इस नाम को लगता है कि द्रापर के अंत में और कवि के शुरू में ऐसा इनका काल को निर्धारण किया जाता है उसके बाद कब तक जीवित है उसके बाद सब लोग हद हो सकता है एक आदि आचार्य का नाम हमारे पास नहीं है कभी गोविंद पादाचार्य तो भगवान भाष्यकर प्रकाशित हो ही है श्लोक को देखिए बहिष्प्रज्ञा विभुर्विश्वो बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो यन्तप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्मृतः बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो यन्तप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्मृतः अब यहाँ पे देखिए बहिष्प्रज्ञ मूल में आया हुआ है बहिष्प्रज्ञ और वो आप अध्यात्म अधिदेवी से एक करके उसको विभु व्यापक भी दिखाए और उसका नाम क्या है विश्व ठीक है ना अध्यात्म विश्व उनका नाम है तो हो गया बहिष्प्रज्ञ मतलब जागृत स्थान को लेकर जो बोला गया था वो बाहर विषय में चेतना का है जिसकी भाष संबंध ज्ञान है इंद्रियों के द्वारा बाहर वस्तु को देखते रहते हैं और भाष्यकार बोलते हैं बहिष्प्रज्ञ मतलब स्वरूप को छोड़ करके जहाँ तक ज्ञान है सब बहिष्प्रज्ञ है और वो व्यापक है और उसका दृष्टि में उस चेतन का नाम है विश्व ही ये बकर वही अंत प्रज्ञ जब वो अपने अंदर के विषय को जानते हैं बहिष्प्रज्ञ अंतप्रज्ञ में भंग तो मैं क्या बताया था ध्यान रखना पड़ेगा आपको बहिष्प्रज्ञ अंतस्प्र में भिन्नता क्या है वहाँ पे बहिष्प्रज्ञ में भी जब आपने बहिष्प्रज्ञ में जब अपने स्वरूप को ज्ञान को छोड़कर सारा ज्ञान मान लिया तो अंतस्प्रज्ञ में कौन आएगा था वासनाओं का ज्ञान मतलब क्या है वहाँ पे पहले से विषय विद्यमान नहीं है बहिष्प्रज्ञ में और अंतप्रज्ञ में विषय पहले से अंदर विद्यमान है ये फंडामेंटल कंसेप्ट है ना ये विषय पहले से उसी को हम देखते हैं व्यक्त करते हैं अंतप्रज्ञ ये छोटा छोटा चीज को ध्यान रखेंगे ना तो स्पष्टीकरण आ जाएगा आपको शब्द प्रयोग की शैली कहाँ पे कौन शब्द प्रयोग तो अंतप्रज्ञस्तु तैजसः उसका नाम क्या है व्यष्टि बोल रहे व्यष्टि अभिमानी शब्द तैजस बोलते हैं ये भी आपको किसमें बताया मूल में आए घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ प्रज्ञान घन एव आनंदमय आनंद ये भी श्रुति ने बताया पर श्रुति ने क्या नहीं बताया एक एव त्रिधा स्मित ये सूत्र ने नहीं बताया ये कालिका का समझ में आ रहा है सो अयम आत्मा चतुष्पाद बोला वो सो अयम था चतुष्पाद बोला वो आत्मा की चार पाद में विभाजन दिखाया तो चार पाद में हम तो अपने को अलग अलग मानते हैं हम अपने को वो ये एक का अनुस्मरण अनुस्मृति जो होता है ना दो चीज होता है एक होता है आपका स्मृति और एक होता है अनुसंधान स्मृति और अनुसंधान के बल पर हम समझते हैं परंतु ये देखिए जागृत और स्वप्न में जो है और वही आपने सुषुप्त में भी है ये यहाँ पे समझ में आने पर भी हमारे साथ इसका ईश्वर के साथ जो एकत्व है
वो तो शास्त्र ने हमको समझ में नहीं आता और ना यहाँ पे बताया ब्रह्म केवल। फिर बाद में क्या अयम आत्मा ब्रह्म। अब इसी में जो चीज छुपा हुआ है आप कैसे इसको समझेंगे, उसके लिए रास्ता क्या बोला, एक एव त्रिधास्मित। वो एक ही तत्व को ही ब्रह्म तत्व को तीन प्रकार की से स्मरण किया गया है यहाँ पे, एक एव त्रिधास्मित बहिष्प्रज्ञा विभुर विश्व है ना। बहिष्प्रज्ञा वो बाहरी वस्तु को ज्ञान है उसका और वो व्यापक है। सारा श्लोक को याद रखना है, इसका सारा श्लोक को याद रखना, कहाँ पे क्या कहा गया, ओ विद्य तद अक्षर में देखो सर्वम इदम सर्वम की हाँ नहीं पहला शब्द क्या है अभिप्राय क्या है, सारे को दिखाना हमारा अभिप्राय नहीं है, सारे में एक चेतन है। मैं यही बोला की प्रतिपादित विषय के ऊपर मतलब एनफोर्स करना, एनलाइट करना उसको, वो कारिकाकार दिखाना चाहते हैं, वो कारिकाकार मुख्य रूप से दिखाना चाहते हैं। उधर ध्यान दो जगत को दिखाना अथवा जगत की सत्य तो आज तक कोई श्रुति नहीं, हर एक श्रुति में जगत की सृष्टि की वर्णन आया पर जो कोई श्रुति ने ये नहीं कही कि सृष्टि की ज्ञान से आपको लाभ मिले, है कि नहीं। कोई श्रुति ने नहीं कहा जब तक सृष्टि की वर्णन श्रुति में आया, परंतु कोई श्रुति ने ऐसा नहीं कहा कि इस सृष्टि के ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा, परंतु सृष्टिकर्ता के ज्ञान से मुक्त हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे कहाँ पे हमको ध्यान देना है इस बात को, मुझे क्या समझना है कि एक एव स्थितिधास में एक ही जो है यहाँ पे तीन प्रकार से उसका स्मरण किया गया है, ये इसका अभिप्राय करते हैं। तो इसे देखिए भगवान भाष्य का देखते हैं सामान्य रूप से बहिष्प्रज्ञ पर्याय एन त्रिस्थान सो अहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानच स्थानत्रय व्यतिरिक्त व्यतिरिक्तत्वं एकत्वं शून्यत्वं अशून्यत्वं च सिद्धम् इति अभिप्राय शुद्धत्वं शून्यत्वं शुद्धत्वं लिखा है शुद्धत्वं शुद्धत्वं अशून्यत्वं च सिद्धम् इति अभिप्राय पर्यायेन क्रम से त्रिस्थानत्व तीन स्थान में आवागमन करने के कारण जैसे हमारे उद्देश्य समझ लो तीन स्थान है प्रणवधाम कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्या, ठीक है। तीनों स्थान में आवागमन करने वाला व्यक्ति तीनों स्थान से भिन्न है, तीनों स्थान से भिन्न है और तीनों स्थान से आवागमन करने वाला व्यक्ति से भिन्न होने के कारण इसके धर्म के साथ उसका अपने आप तादात्म करके दुखी सुखी मानव तारा भगवान के साथ संबंध नहीं। इसलिए बोलते हैं पर्यायेन त्रिस्थानत्वात् सो अहम् यही जो है तीन स्थान में एक अलग मैं ही हूँ, मैं प्रतिसंधान करता हूँ, रात को वहाँ था अब यहाँ बाद वहाँ जाऊँगा, इस प्रकार के तीन स्थान में आने जाने वाला एक ही है। इति स्मृत्या इस प्रकार स्मरण होने के कारण और प्रतिसंधानच मतलब उसको हम विषय रूप में जान भी लेते हैं, इस कारण से क्या होता है स्थानत्रय व्यतिरिक्त इसमें क्या बोला स्थान से भिन्न है व्यक्ति, तीन स्थान को देखने वाला व्यक्ति तीन स्थान से व्यवहार करने वाला व्यक्ति स्थान से भिन्न है पहला, और एक ही व्यक्ति है और तीन अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है और उसमें क्या है इस तीन स्थान की धर्म के साथ इसका संबंध नहीं है, इसलिए शुद्धत्व और संबंध नहीं है इसलिए असंगत्व भी है, शुद्ध असंगत्व सिद्धम सिद्ध होता है इति अभिप्राय ही इसका अभिप्राय करते हैं। इसके लिए दृष्टांत क्या दिया कि वेदांतक सूत्र में श्रुति आ जाए तब यथा महामत्स उभे कुले हम संचरति पूर्वम च अपरम च एवं एव अयम पुरुष एतौ अन्तौ अनुसंचरति। इस प्रकार एक मछली बड़े मछली आप ऋषिकेश में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ये जो लक्ष्मण झूला राम झूला में ना नाव में उठा ले जाता है आप देखना मछली आपके पीछे पीछे जाते हैं कभी इस पर कभी उस पर बीच में कोई कुछ खाना दिया कभी और नदी की इतना गहरा धार उसमें कुछ भी विचलित नहीं। इस महामत्स्य के दृष्टान्त तो वेदांत को उपनिषद में आया हुआ है ना कि नादेय स्रोत के द्वारा उसको विचलन नहीं होता, नदी के कुल में जो क्रिया क्रिया होता है उसके द्वारा उसका कोई संबंध नहीं रहता परंतु उसके साथ ही रहता है इसलिए होता है महामत्स्यादि दृष्टान्त श्रुति आदि से कहने के सुपर्ण जैसे वेदांत इसके बाद ही आया हुआ है। एक चिड़िया घूमते 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 शाम को जब होता है तो अपना क्या होता है पंखों एक ऐसा फायदा देता है
अब फैला नहीं करके फिर ये नहीं करता, अपने घोंसला को थोड़ा दिशा देते हैं फिर घोंसला के लेकर घुस जाते हैं। इसी प्रकार जागृत स्वप्न में जो ही थका हुआ पुरुष मतलब बिना किसी रोक टोक के केवल छोड़ देता है और फिर अपने आप ही जो है अपने घोंसले में प्रवेश कर देता है। नंबर ये श्रुति का नंबर है कौन सा? 4:3:18, 4:3:19 वेदांत उपनिषद ज्योतिर्ब्राह्मण चतुर्थार्थ है तृतीय ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण, ज्योतिर्ब्राह्मण का 18 नंबर 19वां नंबर दो मंत्र में आए हुआ, एक चिड़िया की दृष्टांत दिया और एक जो है आपका महामत्स्य की दृष्टांत दिया। ठीक है, कल इसको देखेंगे। ठीक है, कल ये दोनों श्रुति के आधार पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। तृतीय होगा थर्ड। यत् प्रज्ञा लोकाभासा प्रतिहति अहम् स्वान्तमोहान्धकारो सर्वभावे नमः शंकरम्।